100 करोड़ वैक्सीनेशन पर WHO ने भी हिंदुस्तान को बधाई दी है। WHO की रीजनल डायरेक्टर साउथ ईस्ट एशिया डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह का यह बयान अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बिना मजबूत लीडरशिप के ये संभव नहीं था, बेहद कम समय में ये अद्भुत सफलता हासिल की है हिंदुस्तान ने, ये कहा गया है WHO की तरफ से। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, इंडिया का ये माइलस्टोन इसलिए भी खास है क्योंकि इंडिया ने अपनी पॉपुलेशन के साथ साथ दुनिया के और देशों को भी वैक्सीन की करोड़ों डोजेस दी हैं। WHO आज इंडिया को इस कामयाबी के लिए बहुत बधाई देता है। ये एक हाईएस्ट पॉलिटिकल कमिटमेंट, फ्रंटलाइन वर्कर्स की कड़ी मेहनत और लोगों की सपोर्ट से हो पाया है। तो दुनिया कर रही है गुमान, भारतवर्ष का बड़ा है मान और वैक्सीनेशन में वैसे भी हिंदुस्तान का कभी कोई मुकाबला नहीं रहा और आज इस बड़े माइलस्टोन को हासिल करके हमने दुनिया को बता दिया है कि भारत का कोई सानी नहीं है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बधाई दी है। WHO की रीजनल डायरेक्टर साउथ ईस्ट एशिया डॉक्टर पूनम को अभी आप सुन रहे थे और उन्होंने ये कहा कि बिना मजबूत लीडरशिप के ये मुमकिन नहीं था और जाहिर तौर पर आज ये जो उपलब्धि हासिल की है, देखिए मैंने आपसे जो वादा किया था TV9 भारतवर्ष का स्टूडियो धीरे धीरे करके आज खचाखच भर जाएगा। हमारे साथ और तमाम खास मेहमान इस वक्त TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में जुड़ चुके हैं और यहां पर हमारे स्वच्छता दूत भी हमारे साथ आ चुके हैं और यकीन जानिए इन्होंने बहुत अहम जिम्मेदारी निभाई है। डॉक्टर्स, हेल्थ कर्मी, नर्सेस, इनका योगदान तो था ही, लेकिन कोरोना काल में ऐसे वक्त में जब अस्पताल मरीजों से अटे पड़े हो, हमारे जो स्वच्छता कर्मी थे, जो स्वच्छता दूत थे, उन्होंने शानदार काम किया और उनके काम का ही नतीजा है कि आज हम इस माइलस्टोन को हासिल करने में कामयाब हो पाए। तो सबका अपना अपना योगदान रहा है और रवि निश्चित तौर पर जो हमारे स्वच्छता दूत हैं, इनका क्योंकि हमने देखा है जब हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार हॉस्पिटल्स में एडमिट थे उस वक्त क्या आलम होता था, क्योंकि बर्डन जो था वो बहुत ज्यादा था और ऐसे में जो सफाई कर्मी थे, जो स्वच्छता दूत थे, उन्होंने क्या शानदार काम किया है। 12-15 घंटे तक वो लगातार अस्पतालों में बने रहते थे और सफाई को अंजाम देते थे। ये भी तो देखना होगा कि जो लोग लड़ रहे थे उनके परिवार में भी लोग कोरोना से पीड़ित थे। बिल्कुल, ये और बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो खुद अपने परिवार के लोग उनके बीमार थे, उनकी भी चिंता थी, लेकिन साथ में वो लोग जो अस्पतालों में पहुंच रहे थे या फिर जिनको वैक्सीनेशन के लिए उनको एक एक सुविधा, एक एक जानकारी देनी थी, बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे साथ। देखिए आप जैसा कह रहे थे खचाखच भरेगा, मैं धीरे धीरे कोने में जाता हूं क्योंकि धीरे धीरे हमारे जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो आ रहे हैं, हम उनसे जानेंगे। आज WHO आप लोगों को बधाई दे रहा है। WHO का भी हमने सुनाया किस तरह से उन्होंने कहा कि फ्रंटलाइन वर्कर्स, उनको सैल्यूट है, कैसा लग रहा है? बहुत प्राउड फील हो रहा है कि लाइक बीइंग अ पार्ट ऑफ हेल्थ केयर टीम, हम लोगों को पूछा जा रहा है हमेशा ही, लाइक व्हेन वी वर्क इन अ हॉस्पिटल वी गिव आवर 100%। हम लोग कैलाश हॉस्पिटल से हैं, व्हेन वी आर वर्किंग देयर सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि ना हम सर्विंग मेंटालिटी के साथ जाते हैं, तो जब उस चीज़ को प्रोत्साहन मिलता है तो और हम 100 से ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं एफर्ट्स हमारे। लेकिन इस बार तो मुश्किल भी लगभग 100 से ज़्यादा थी, 200% वाली थी, तो आप लोगों का प्रयास भी 200% का था? नहीं, 200% से भी ज़्यादा हमने दे चुका है। 500,000 तक हमने डेली लगाते थे कैलाश हॉस्पिटल में। हम उसके लिए हम बहुत प्राउड है कैलाश हॉस्पिटल का बारे में बोलने के लिए। 100 करोड़, कैसे क्या लग रहा है? जब शुरुआत किया था वैक्सीनेशन का तो इस आंकड़े को जल्दी छू लेंगे ऐसा सोचा था? इट इज़ रियली ग्रेट अचीवमेंट। इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड द कोविड वैक्सीन, पीपल वेयर इन लाइक दे वेर वेरी एंग्शियस, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू यू नो। आप हिंदी में बताएं हमारे सारे दर्शक हिंदी के। भारतवर्ष केरला, यू नो आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू डू दैट। इट वाज बहुत मुश्किल था हमारे लिए पेशेंट को समझाना, अटेंडेंट को समझाना, पर हाँ अभी वो चीज़ हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं तो पेशेंट को पहले से पता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो वैक्सीन लग रही है, जब लोग आते थे तो क्या कहते थे आप लोग, उनसे क्या बात करते थे? आप हमसे दूर रहिएगा, बैठ जी आप हमसे दूर रहिएगा और थोड़ा सा हमें तो कैसे समझाती थी आप उन लोगों को? उनको बोलना पड़ता था कि हाँ, आप वैक्सीन लगवा ले, वैक्सीन लगवाइए, और ऐसा भी बताना पड़ता था कि भाई हम भी लगवा रहे हैं आप भी लगाइए, कोई टेंशन की बात है नहीं। हाँ सर, वो बताना पड़ता था, बताना पड़ता तो थोड़ा लोगों को विश्वास आता था। हाँ जी सर, लोगों को लगता था कि भाई इन लोगों को लगा हम भी लगा सकते। जी सर,
वाकई में ये बहुत चैलेंजिंग रहा क्या कि लोगों को भाई बताया जाए कि वैक्सीन लगवाइए, ज़रूरी है और इससे कोई ख़तरा नहीं है? वाकई ये दिक्कत वाली बात जी सर, बिल्कुल बताना पड़ता था लोगों को कि ये सेफ़ है, इससे कोई नुकसान नहीं है, आप इसको सेफली लगवा सकते हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत सारे लोग जो पैनिक थे कि हम वैक्सीन लगा रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें कोई इसका साइड। अच्छा, सबसे ज़्यादा डर लोग क्या बता रहे थे? मेनली उनका था कि फीवर आना या इस टाइप से, और उनको और भी लोग थे कि बोलते थे कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। या कुछ अजीब अजीब बातें भी बताई किसी ने कि मैं ये नहीं लगवाऊँ मुझे ये हो जाएगा? बहुत अजीब अजीब बातें थी, लाइक हम बीमार पड़ जाएंगे, हमें कुछ हो जाएगा। हाँ। बहुत अजीब, मतलब बहुत समझाना पड़ता था कि हम। तो कैसे समझाती थी आप पेशेंट्स को? जो डर था कि मतलब इससे साइड इफ़ेक्ट होंगे, इनको फीवर होगा या किसी और तरीके का कोई डिजीज़ ना हो जाए, तो उसके लिए ये बताना कि वैक्सीन जो है ये आपको इसके लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, रेदर देन आपको इससे बीमारी नहीं होगी, आपको इनको पूरी नॉलेज प्रोवाइड। सारी तो ये कब लगने लगा इस पूरे जर्नी में कि अब हम वैक्सीनेशन बहुत जल्दी से कर सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगा सकेंगे, क्योंकि शुरू में तो हम देख रहे थे कि दिक्कत थी? देखिए, मैं तो फेज 3 ट्रायल में गया था। हाँ। मैं तो उसका पार्ट था उस स्टडी का, और TV9 भारतवर्ष में मैं आया भी था अपने 50 लोगों को लेके, एम्स के ही सारे मेरे साथी थे। देखिए, नेगेटिविटी को आप सिर्फ पॉजिटिविटी से हरा सकते हैं, और अगर हम मैं याद करता हूँ तो जो अडल्ट्स में जो ट्रायल हुए और बच्चों में ट्रायल हुए, ये फ़र्क था कि अडल्ट के लिए हमें बहुत ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ी, और जब बच्चों के ट्रायल हुए तो एक दिन के अंदर सारा जो सैंपल साइज जिसको हम बोलते हैं वो पूरा हो गया। तो हमें लगा कि हमने उस समय उतनी नेगेटिविटी के अंदर एक जो दुष्प्रचार हो रहा था कि ये वैक्सीन तो कुछ इस, लेकिन वो हुआ। सबसे बड़ी ताकत क्या थी, सबसे बड़ी प्रेरणा क्या थी कि इस यज्ञ में हम सबको साथ लगना है और काम करना है? सबसे ज़्यादा इसमें ज़्यादातर सुकून हेल्थ केयर वर्कर्स को मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा हम लोगों को मोटिवेट इसलिए करते थे कि हमारी कंडीशन ये हो गई थी जिस टाइम कोविड आई था, उस टाइम PPE किट के अंदर काम करना पड़ता था। आज कंडीशन ये है कि मोस्ट ऑफ कोरोना वार्ड्स, कोविड वार्ड कम हो गए, उस पहले से बेहतर हुए। तो सबसे बड़ी ताकत प्रेरणा क्या थी? सबसे बड़ी प्रेरणा बिल पावर, और दूसरा हमारे साइंटिस्ट जो कहीं ना कहीं चर्चा से नाराज रहे, और हम हमेशा TB के पीछे वाले पर्दे से जो काम करते रहे, जिन्होंने वैक्सीन को बनाया। और इसमें एक और जो हमारे रिसर्च स्कॉलर, रिसर्च स्टाफ जो कोविड का डायग्नोसिस कर रहा था दिन रात 2400 घंटे ड्यूटी करके, तो इन दोनों की जो भूमिका थी वो बहुत बहुत बड़ी थी। लीडरशिप की भूमिका कैसी थी, जो नेतृत्व था, जो सरकार थी, अधिकारी थे, व्यवस्था करने वाले थे, उन लोगों का कैसा सपोर्ट? मैं तो नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में ये सारा कुछ हो पाया, इतनी जल्दी से हो पाया, अन्यथा बड़ी दिक्कत होती देश में। आखिरी सवाल, चूंकि आप बचे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 100 करोड़ तो हो गया, अब एक चरण और बचा है, 30 करोड़, 125 करोड़ की आबादी है, क्या लगता है वो और जल्दी हो जाएगा? देखिए, ये पूरा जो घटनाक्रम है, अगर आप चूंकि सेंचुरी की बात करते हैं तो एक इसको क्रिकेटिंग लैंग्वेज में अगर हम कहें तो ये आज ये जो शतक लगा है, वैसे तो सेंचुरीज आर ओनली काउंटेड इन क्रिकेट, लेकिन ये मैं चूंकि एक साइंटिस्ट भी हूँ और मैंने इन सब चीज़ों को देखा है कि जहाँ भय, भ्रम और भ्रांतियाँ काम करती हैं, वहाँ पर जो साइंटिफिक टेम्परमेंट है, जो डॉक्टर साहब ने भी कहा, वो एक वातावरण धीरे धीरे बनने में, लेकिन इस भय, भ्रम और भ्रांति को चकनाचूर किया है हमारे डॉक्टर्स ने, वर्कर्स ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं इन लोगों ने, और वो लोग जो इसमें आगे आकर लीड कर रहे थे। समीर, बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, और याद कीजिए आज से 8-9 महीने पहले ये आंकड़ा कभी हम इसका तस्वुर भी नहीं कर सकते थे, हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी जल्दी 100 करोड़ वैक्सीनेशन के माइलस्टोन को हम पार कर जाएंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।